हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 8C। आज हम लोग एक्सरसाइज 8C का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट मेक श्योर कि आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया है, उसके बाद आप सेकंड पार्ट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है 1 by x is to 1 by y is to 1 by z is to 2 is to 3 is to 5, then x is to y is to z क्या होगा? ठीक है, तो हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 1 by x is to 1 by y is to, देखिए जब हम ये दो लिए हैं तो यहाँ पे भी दो लेंगे, ठीक है, 2 is to 3। क्लियर है? हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 by x / 1 by y लिख सकते हैं, क्लियर लिख सकते हैं, क्योंकि यदि रेशियो में है तो डिवाइड में लिखते हैं हम लोग। देन 1 by x / y/1 लिख सकते हैं, 2/3। फिर y/x = 2/3, फिर क्या हो जाएगा हमारा y = 2/3x। ठीक है, ये x डिवाइड में था तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया। सेम अब हम लोग क्या करेंगे, 1 by y = 1 by z = 3/5 लेंगे। क्लियर है? तो 1 by y / 1 by z = 3/5। क्लियर है? देन 1 by y / z/1 = कितना, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू होगा, इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, 3/5। देन z/y = 3/5, देन z = क्या हो जाएगा, 3y/5। तो ये z का वैल्यू हमारे पास आ गया और ये हमारे पास y का वैल्यू आ गया। क्लियर है यहां तक? हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोगों को क्या क्या पता, फिर हम लोगों को कैसे निकालना होगा? तो हमें पता था x = y = z क्या हो जाएगा हमारे पास, x तो x ही रह जाएगा क्योंकि x का तो हमने कोई वैल्यू ही नहीं निकाला है। फिर y का हमने वैल्यू निकाला, यहाँ पे देखिए 2x/3, और z का हमने वैल्यू क्या निकाला, 3y/5। क्लियर है यहाँ तक? हमने इसका ये पे वैल्यू निकाला है। उसके बाद ऐसे समझिए कि आपने यहाँ पे जो y की जो वैल्यू निकाली, तो क्या हम लोग y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे? तो हम लोग को यहाँ पे y का वैल्यू पुट करना होगा, देन 3y/5। देन y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, यहाँ पे देखिए 2x/3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x = 2x/3 and 3 कैंसिल। और यहाँ पे y तो रहेगा नहीं क्योंकि हमने y की वैल्यू यहाँ पे डाल दी है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2x/5। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए हम लोग का क्या आया, 5 × 3 = 15 आ रहा है। देखिए ये 5 × 3 = 15, तो हम लोग 15 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 15x = 2x/3 × 15 = 2x/5 × 15। ठीक है, अब देखिए 15 तो x तो रह ही जाएगा, 15x = 3 × 5 = 15। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10x एंड 5 × 3 = 15, देन 3 × 2 = 6x। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x तो कैंसिल हो जाएगा, 15 × 10 = 6 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा जो आंसर है 15 × 10 = 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा क्या आ जाएगा, 15 × 10 = 6, देन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है, इफ x = y = 3/4, क्लियर है, देन द वैल्यू ऑफ 7x + 3y = 7x - 3y। तो हम लोग सोल्यूशन करते हैं इसका, इजी है, मैंने भी पहले बताया है एक्सरसाइज 8A में या बी में मैंने बताया है। x / y = 3/4 होगा, ठीक है, देन x = 3y/4, ये हमारे पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों का जो इक्वेशन है 7x + 3y / 7x - 3y, क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे वैल्यू रख देंगे किसका, x = 3y/4, देन 7 × 3y/4 + 3y / 7 × x की वैल्यू क्या लाए, 3y/4 - 3y। अब इसको सॉल्यूशन कर लेते, 7 × 3 = 21y/4 + 3y
हम लोग ऐसे डिवाइड लिख सकते हैं ना, डिवाइड क्योंकि नीचे है तो हम लोग डिवाइड लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन 7 3 21 y/4 -3 y, देखिए आप लोग डिवाइड नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप करेंगे तो फिर आपके पास वैसा ही सोल्यूशन आ जाएगा। देन जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो हम क्या लेंगे, एलसीएम लेना होगा, 4 21 y + 4 3 = 12 y / 4 21 y - 4 3 = 12 y, ठीक है। एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 और 1 3 और 2 और 1 3 33 y / 4 / 21 में हम 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 y। आप करके देख लीजिए, 21 12, देन 11 में 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 11 में 2 करेंगे क्या जाएगा 9, और यहाँ पे 1 का 1 ये हो जाएगा 4। हम इसको सॉल्यूशन लिख सकते हैं, 33 y / 4 * 4 / 9 y, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई होप यहाँ तक। तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 4 कैंसिल, y कैंसिल, अब क्या बचा हमारे पास, 33 by 9 = 2, ये 3 11 33 और 3 3 9, देन 11 is to 3, क्या जाएगा हमारा आंसर। तो ये कौन सा ऑप्शन में आएगा चलिए देखते हैं, ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में, 11 का हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, सेम है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 3a + 5b / 3a - 5b = 5/1, ठीक है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, और 5 से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है -5b, देन 3a + 5b = 5 3 = 15a - 5 5 = 25b, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं, 3a, अभी ये प्लस में तो इधर जाएगा तो -15a = 2, अभी 3a इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो सॉरी हाँ ये a यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 3a - 15a और 25b, ये प्लस में है अभी, इधर आएगा तो -5b हो जाएगा। देन 15 में आप 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जब आप 15 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या जाएगा, -12a = 25, और -25 - 5 कितना जाएगा, 30b, माइनस कैंसिल। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये मैंने प्लस नहीं किया, कैंसिल किया, a = 30/12, ये अभी 12 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड, अब भी इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद समझिए, तो a / b = क्या होगा, इसको डिवाइड कर देते हैं, 6 2 = 12 and 6 5 = 30, देन 5/2, देन a = b = 5:2, कितना आ गया हमारा, 5:2 आंसर हो गया। 5:2 जो हमारा ऑप्शन है, हाँ ये सी नंबर लिख देंगे, इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, इफ 7:x प्रोपोर्शन 35:45, देन x = what, मैंने पहले ही बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन a b c d, देन सॉल्यूशन में हम डायरेक्ट लिखते हैं a (d) = b (c), प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ मीन हो गया। मैं इसमें डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने एक्सरसाइज 8b में पूरा डिटेल में बताया है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। देन 7 * d क्या है हमारे पास, 45, बी क्या है हमारे पास x, और c क्या है हमारे पास 35, ऐसे समझिए। अभी 35 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड इक्वल टू x, ठीक। 7 5 = 35, 5 9 = 45,
एन एक्स इक्वल टू 9 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए यहाँ पे कहा है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में, 13 में हमसे पूछा गया व्हाट मस्ट हैज टू बी एडेड, ठीक है, द टर्म 3:5 टू मेक रेशियो इतना। हम इस टर्म में क्या ऐड करेंगे जो हमारा रेशियो इतना बन जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन लेट रिक्वायर्ड नंबर भी एक्स मान लेते हैं, देन 3+x में हम फिर 5+x में x ऐड कर दिए, 3 में भी x ऐड कर दिए, 5 में भी x ऐड कर दिए, तो हमारा कितना आना चाहिए 5:6। क्लियर है यहाँ तक। देन 3+x/5+x=5/6। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। हम लोग चलते हैं आगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, इसको भी क्रॉस, तो 6 3+x=5 5+x। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 6 3 18 प्लस 6 और x 6x=5 5 25 प्लस 5 और x 5x। अब देखिए 5 इधर लेके आएंगे तो 5x इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 25, अभी 18 इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस माइनस 18। देन में हम माइनस 18 करेंगे तो 7, तो x=7 हमारा आंसर आ जाएगा और इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आगे करेंगे। थैंक यू।